सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बॉलीवुड की खूबसूरत और चुलबुली अदाकारा श्रीदेवी बॉलीवुड में अपने 51 साल के करियर में शोहरत की बुलंदियों को हासिल कर चुकी थीं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी जद्दोजहद चल रही थी। ये उस समय की बात है जब श्रीदेवी कामयाबी की बुलंदियां छू रही थीं और कहीं उनकी लव स्टोरी रची जा रही थी। 90 की दशक में श्रीदेवी ने डायरेक्टर बोनी कपूर से शादी कर ली थी, लेकिन उस समय वे पहले से शादीशुदा थे। मिस्टर इंडिया फिल्म बनाने की तैयारी चल रही थी तब लेखक जावेद अख्तर और बोनी कपूर श्रीदेवी को फिल्म ऑफर करने चेन्नई गए थे। श्रीदेवी की मां ने फ़ोन पर उन्हें इंतज़ार करने को कहा क्योंकि श्रीदेवी उस टाइम बिजी चल रही थी। 3-4 दिन तक कोई फ़ोन ना आने पर जावेद अख्तर और बोनी कपूर दोनों मायूस हो गए। फिर 10 दिन के बाद श्रीदेवी से मिलने का समय दिया और फिल्म की कहानी सुनाई तो उन्हें कहानी अच्छी लगी और वह राजी हो गईं। सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बोनी कपूर ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में लोगों को बताया। बोनी ने बताया, जब मैंने श्रीदेवी को पहली बार पर्दे पर देखा था उसी समय मुझे उनसे प्यार हो गया था। मैं उनसे मिलने चेन्नई चला गया कि फिल्म में साइन कर लेता हूँ, लेकिन वो उस समय चेन्नई में नहीं थी। फिर मैंने उन्हें 16वां सावन में देखा, मेरे जहन से वे कभी गई ही नहीं। आखिरकार मैंने उन्हें मिस्टर इंडिया में साइन किया। तब उनकी माँ उनके फैसले लिया करती थीं। मैं श्रीदेवी को साइन करने उनकी माँ से मिलने गया, तब श्रीदेवी सबसे महंगी अभिनेत्री थीं। उनकी माँ ने मुझे 10 लाख की फीस रखी, शायद मुझे टरकाने के लिए। मैंने कहा मैं 11 लाख दूंगा। बोनी के साथ श्रीदेवी ने मिस्टर इंडिया, रूह की रानी, चोरों का राजा, मॉम जैसी फिल्में की हैं। हालांकि ये रिश्ता आसान नहीं था क्योंकि बोनी कपूर की शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। इसे लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था, लेकिन 90 के दशक में श्रीदेवी और बोनी कपूर ने शादी कर ली थी। दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमियां भी काफ़ी अलग थीं। एक ओर जहां श्रीदेवी दक्षिण भारत से आई थीं तो बोनी कपूर का परिवार पंजाबी था, लेकिन शादी के बाद श्रीदेवी ने पंजाबी रीति रिवाज सीखे, अपने आप को पंजाबी परिवार में ढालने की पूरी कोशिश की। श्रीदेवी ने कभी भी बोनी कपूर को दक्षिण भारतीय रीति रिवाज में ढलने को नहीं कहा। श्रीदेवी बोनी कपूर के परिवार, मतलब उनके भाई और भाइयों के बच्चों के प्रति पूर्णतः समर्पित थीं। अपने ससुर सुरिंदर कपूर के 75वें जन्मदिन के लिए चेन्नई में उन्होंने बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था। चेन्नई के बंगले पर यज्ञ पूजा हुई, पार्टी रखी गई। इस पार्टी में कमल हासन और रजनीकांत मेहमानों को बतौर होस्ट मिले और स्नैक्स सर्व करते दिखाई दिए क्योंकि वे श्रीदेवी का बहुत आदर करते थे। श्रीदेवी अपनी सेहत को लेकर बहुत ही सचेत रहती थीं और बोनी कपूर जो अपनी सेहत को लेकर लापरवाह थे उनसे अक्सर इस मुद्दे पर बहस करती थीं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।